हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। दिस इज बिट्टू स्टॉक ट्रेंड लाइन। इसी तरह शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय एंड सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर सलाह मशवरा कर लीजिए, मैं सिर्फ आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। कल जैसे आप समझ रहे हैं कि कल बैंक निफ्टी की ऑप्शन एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी और निफ्टी की, और कल हमारा जो मार्केट रहेगा वो 22,600-22,700 से लेके 22,300 का रहेगा, अगर मार्केट पॉजिटिव खुलता है तो। जैसे हम देख रहे हैं आज मार्केट पॉजिटिव में बंद हुआ है, तो कल मार्केट हो सकता है कल मार्केट पॉजिटिव ही खुले, इसलिए कल मैं 22,600 की कॉल लेने को सजेस्ट करूंगा और साथ ही मैं 22,300 की पुट बेचने को सजेस्ट करूंगा। और जैसा आज आपने देखा, कल मैंने बताया था मार्केट नेगेटिव में खुलेगा, तो आज मार्केट नेगेटिव में ही खुला। उसके बाद उसने एक 450 के ऊपर एक थोड़ा पुलबैक दिया था, जैसे मैंने बताया था आपको एक पुलबैक देगा वो, लेकिन वो 700-750 लगभग नहीं आया है, 22,700-750 नहीं आया, वो 550 से रिटर्न हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था 22,400 के नीचे मार्केट को सेल कर सकते हैं 22,300 के टारगेट के लिए, 22,050 के टारगेट के लिए, बट मार्केट ने 22,080 का एक लो लगा के मार्केट वापस रिवर्स हो गया। तो कल मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है मुझे 22,600-650 तक। इसी के साथ में मैं आपके लिए चार स्टॉक लेके आया हूँ। पहला स्टॉक जो है वो इन्फोसिस का है। एक इन्फोसिस बहुत अच्छा पैटर्न बना रखा है इसने, एक चैनल में चल रहा था आज सुबह से, ये एक चैनल में था, उसके बाद इसने मार्केट जब 2:45 बजे करीब इसने एक ब्रेकआउट दिया अच्छे वॉल्यूम के साथ डाउन ट्रेंड में, तो हम कल इसको ट्रेड कर सकते हैं। 926 के नीचे हम इस स्टॉक को सेल करेंगे 919 के टारगेट के लिए, 916 के टारगेट के लिए। मैंने मेरे ग्रुप में एक रिलायंस की कॉल भी दी थी आज व्हाट्सएप ग्रुप में, जो मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो मुझे इस नंबर पे मैसेज करिए 9829834017 और ज्वाइन का मैसेज करके मुझे भेज दीजिए। जैसा मैंने बताया था आज रिलायंस में 2127 के ऊपर मैंने बाय कराया था, एसएल इसका था 2107 का, पहला टारगेट जो इसका था 2146 का था, सेकंड टारगेट 2166 का था और थर्ड टारगेट 2185 का था, जिसमें इसने हाई लगाया 2167.80 का। अब कल रिलायंस मुझे एक पॉजिटिव, कल भी मुझे एक बुलिश ट्रेंड में ही दिख रहा है रिलायंस, और इसको अगर हम बाय करेंगे तो 2167.80 के ऊपर, आज के हाई के ऊपर हम इसको बाय कर सकते हैं 2174 के लिए, 2185 के लिए और 2200 के टारगेट के लिए। सेकंड है हमारा जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड हमने आपको कल बताया था कि 2300 के ऊपर हम इसको बाय करेंगे, बट मार्केट नेगेटिव में खुला तो जुबिलेंट फूड भी नेगेटिव में गया, और अभी एक इसका एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंट ले रहा है, अगर इस रेजिस्टेंट को क्रॉस करेगा 2235 के ऊपर, अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेक करेगा इसको, तो हम इसको छोटे टारगेट के लिए ले सकते हैं 2245 के टारगेट के लिए। थर्ड स्टॉक है हमारा एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड जैसे आज हमने देखा मार्केट में अच्छा मूवमेंट था, बट एसबीआई कार्ड एक रेंज बाउंड में रहा, तो हम इसको अगर कल बाय करना है तो हम 812 के ऊपर, 812.20 के ऊपर इसको बाय कर सकते हैं 806.80 के एसएल के साथ, जिसमें पहला टारगेट इसका रहेगा 816.80 का, सेकंड टारगेट रहेगा 821 का और थर्ड टारगेट रहेगा 826 का। और अगर हम इसको सेल करते हैं और नीचे में ब्रेकडाउन देता है अच्छे वॉल्यूम के साथ 805.70 के नीचे हम इसको सेल कर सकते हैं, एसएल रहेगा इसका 811.20 का, पहला टारगेट रहेगा 801.20 का, सेकंड टारगेट रहेगा 796.20 का, थर्ड टारगेट रहेगा 791.20 का। ठीक है दोस्तों,